मोदी कैबिनेट पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय मिला तो भाजपा के सामने खड़ी हो जाएंगी ये मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, केंद्र में नया वित्त मंत्री कौन बनेगा, यह सवाल शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले तक न केवल आम आदमी लोगों बल्कि भाजपा के नव निर्माण मंत्रियों और चुनाव गए सांसदों के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी या पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की ओर से बुधवार देर शाम तक किसी भी मंत्री को बनने का न्योता वाला टेलीफोन या संदेश नहीं पहुंचा था। नए वित्त मंत्री के रूप में हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और निर्वाचन मान रेल मंत्री पीयूष गोयल का नाम चल रहा था। पीयूष गोयल के नाम को लेकर एक बड़ी पार्टी समस्या ये आ रही है कि वो पार्टी के भी कोष अध्यक्ष है। ऐसे में अगर वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनते हैं तो पार्टी को उनकी जगह उनके ही तेज तरार कुशल प्रभावशाली कोष अध्यक्ष ढूंढना होगा। हालांकि चुनाव के दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संसाधन जुटाने को लेकर कार्य लिया था, लेकिन फिलहाल उन्हें महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा, इसकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। पीयूष गोयल के वित्त मंत्री होने पर यह समस्या इस बार क्यों आएगी, जबकि वो पहले भी को अध्यक्ष होते हुए वित्त मंत्री का कार्य देख चुके हैं। इसके जवाब में यह भाजपा महासचिव ने कहा है कि उस समय वो कार्यवाहक वित्त मंत्री थे, उन्होंने कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया था। अगर पीयूष गोयल वित्त मंत्री बनते हैं तो उनकी जगह उनके ही सम्मान ऊर्जावान क्षमतावान को अध्यक्ष ढूंढना आसान नहीं होगा। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। एक अन्य पद अधिकारी ने कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सरकार में आते हैं तो भूपेंद्र यादव उनकी जगह लेने वाले संभावितों में सबसे आगे हैं। वहीं दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा को चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट में लेकर चर्चा चल रही है। चौंकाने वाले नामों में सुशील मोदी को भी सरकार में लेने की चर्चा है। जेडीयू से आरपी सिंह, राजीव रंजन, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर, एस कुशवाहा में से दो या तीन के मंत्री बनने की संभावना है, जबकि राधा मोहन सिंह को ड्रॉप करने की चर्चा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।